ऑल राइट गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ कट सीरीज। और आज है संडे। संडे होने के साथ साथ हम आज भी जिम जाने वाले हैं टू डू आर कार्डियो। कल रात की अगर बात करें तो कल मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया था एंड वी स्लेप्ट अराउंड 11:30। हमारा कार्डियो भी ख़त्म हो गया। मैंने 17,000 स्टेप्स किए कल और उसी के साथ रीडिंग सेशन भी कम्प्लीट कर दिया। एंड रही बात हमारे आज के इंफॉर्मेटिव वीडियो की, तो एज आई सेड कि हम वीकली एक इंफॉर्मेटिव वीडियो डालेंगे, तो उतना तो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं प्रोडक्टिव नहीं रहा, और जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू मुंबई, जब से घर पे आए हो तब से लॉट ऑफ स्टफ हैज़ बीन चेंज हियर। और ये सब चीज़ें मैं पहले नहीं करता था, वीडियोज़ एंड ऑल स्टफ। जब मैं यहाँ पे था मुंबई जाने से पहले, तब मैं बहुत लेजी था, इतना सीरियसली भी नहीं लिया था यूट्यूब को। और जब से यूट्यूब को ज़्यादा सीरियसली लिया हूँ, मुझे ग्रोथ भी दिखने लगी है एंड मुझे मेरी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत हो गई है। एंड इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ कि यार आज का वीडियो हमें एनी हाउ कम्प्लीट करना है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि भाई अगर मैंने एक और दिन ऐसा वेस्ट कर दिया तो वो वीडियो अगले हफ्ते चले जाएगा। मुझे वो नहीं करना है ब्रो। आई बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट होने वाले हैं। वी आर ओनली 6 सब्सक्राइबर अवे टू कम्प्लीट अवर 1000 सब्सक्राइबर। और जैसा कि मैंने रीबिल्डिंग सीरीज में कहा था कि मैं जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब मैं एक नया चैलेंज लेने वाला हूँ। एंड वो चैलेंज मैं आपको अनाउंस करूँगा, बट पहले हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स तो होने दो। 1000 सब्सक्राइबर होने के साथ मजे आएंगे शायद, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। बिकॉज ये जो जर्नी है 3 महीने की, ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने की, ये मैंने फुल एंजॉय की। इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ यूट्यूब के बारे में सीखा, बहुत कुछ खुद के बारे में सीखा। जो एक सेल्फ डिसिप्लिन मैंने बिल्डअप की है, वो मैं कभी भूलना नहीं चाहता। और जो मुझे सेल्फ डिसिप्लिन ने दिया है, दैट वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट दैन अदर स्टफ। थोड़ा सा एक बात का रिग्रेट है, मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है घर आके, तो वी नीड टू गेट दैट प्रोडक्टिविटी बैक एंड टू स्टॉप वेस्टिंग आवर टाइम। सो अभी मैं कॉफ़ी ख़त्म करता हूँ एंड सीधा मिलता हूँ आपको जिम में कार्डियो करने। लेट्स गो। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट कि आज थर्ड संडे है और थर्ड संडे जिम मेंटेनेंस की वजह से बंद रहता है। सो अभी क्या करें, अभी घर जाएंगे और घर जाके मैं अपना कार्डियो इवनिंग में ही कम्प्लीट करूँगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, क्योंकि हमें दिन में अपना जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो शूट करना है। सो लेट्स गो टू एक्सक्यूज दिस। सो अभी बजे 12 एंड मैं अपनी पहली मील कंज्यूम कर रहा हूँ। बिकॉज क्या हुआ था, जब मैं जिम गया था तो जिम तो आज मेंटेनेंस की वजह से बंद थी। सो वी हैड टू गेट होम एंड प्रिपेयर आवर मील्स। मैंने आज हमारे पूरे मील्स प्रिपेयर करके रख दिए। मैंने टोटल अराउंड 4 मील मैंने रखे हैं अपने डाइट में। रिसेंटली अभी डाइट चेंज किया है। आज मैं फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो ही शूट कर रहा हूँ आपके लिए। सो अभी मुझे बहुत भूख लगी है, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सिर्फ मैं वो ब्लैक कॉफ़ी जो हम पी के गए थे, मैं उसी पे हूँ। एंड वापस आके भी मैंने कुछ नहीं खाया। मैं सीधा किचन में घुसा एंड मेरी मील्स प्रिपेयर करी। उसमें अराउंड मेरा 1 घंटा गया, क्योंकि मुझे तीनों भी मील्स प्रिपेयर करके रखनी थी। बिकॉज मुझे अभी किचन में जाना पसंद नहीं है और मुझे अपना मुंबई का स्केड्यूल वापस से लाना है। सो वी हैव टू जस्ट फिनिश दिस अप एज सून एज पॉसिबल। और ये खा के मैं अपना जो वीडियो एडिटिंग है उसके पीछे लग जाऊंगा। जो हमारा कल का डेली व्लॉग है वो मैंने एडिट नहीं किया है, वो अभी करूँगा। फिर तो उसके बाद मैं जो दिन में अपनी मील्स की क्लिप्स वगैरह शूट करूँगा, तो वो उसके बाद भी मुझे साइमल्टेनियसली एडिट करना होगा। आज का दिन काफ़ी हेक्टिक होने वाला है। सो लेट्स गेट प्रिपेयर फॉर दिस टाइम। स्टे हार्ड। My God, it's super tasty. So, लोंडो, अभी बजे है अराउंड 6:30 और मैं अभी करने आया हूँ अपना कार्डियो। कल हमने 17,000 स्टेप्स किए थे, तो आज हमें हमारा जो डेली गोल होता है 10,000 स्टेप्स का, वो हमें कंप्लीट करना है। अराउंड 1.5 घंटा लगेगा, शायद 8 बजे तक ख़त्म होना चाहिए। लेट्स गो हार्ड, नो एक्सक्यूजेस। मैंने अभी कार्डियो करते करते एक चीज़ नोटिस करी कि ये देखो मेरे पीछे पूरे काले बादल है एंड मेरे सामने देखो और मेरे सामने पूरा वाइट है, ये देखो। मतलब यार नेचर भी क्या अमेजिंग चीज़ है ना। हम बस मोबाइल में ही अपने नेचर को एंजॉय करते रहते, बट जो एक्चुअली
हम रियल में देखते हैं वो अलग ही फील करता है। मुझे एक्चुअली अलग लग रहा है यार, ये सब देखते रहा कि बहुत पीसफुल लग रहा है। मुझे मानसून वैसे तो पसंद है, बट ये सीन्स देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे। बारिश आएगी आज शायद, क्रेजी बारिश आएगी। बिफोर दैट हमें अपना कार्डियो ख़त्म करना है। 4000 स्टेप्स ख़त्म हुए हैं, 6 मोर टू गो, लेट्स गो। 5 मिनट पहले आपको दिखाया था कि यहाँ पे काले बादल थे और वहाँ पे सफ़ेद बादल थे, और ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ काला हो गया है अभी। और मुझे ना थोड़ा बहुत लाइटनिंग से डर लगता है। एक्चुअली ये चाइल्डहुड का ट्रामा है, वो अभी तक मेरे साथ कंटिन्यू है। तो जब लाइटनिंग और जब ऐसे बादल गरजते हैं तो मेरी फटनी चालू हो जाती है, क्योंकि बहुत फटती थी मेरी, रवि भी फटती है। थोड़ा सा स्ट्रांग बनने के लिए मैं घूमूंगा यहाँ पे, और जब तक मेरी फटना चालू नहीं हो जाती और जब तक मैं कंट्रोल कर सकता हूँ तब तक ठीक है। बट या ये भाई नेचर वाला सीन अपने से जमता नहीं कुछ, सीरियसली ब्रो, द नेचर इज़ टू वाइल्ड, नॉटी है बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो अपने को क्या है, अपने को चाहिए बादल, लेकिन क्योंकि बादल इम्पोर्टेंट है, बट यार बादल के साथ साथ अगर तुम लाइटनिंग भी दे रहे हो तो फटना तो होगा ही ना यार। सो गाइस अभी बजे है 8:30 एंड वी हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड 10,000 स्टेप्स। तो मेरी मोबाइल की बैटरी थोड़ी बहुत डिस्चार्ज हो गई थी, अराउंड 5% पे आ गई थी। तो आई वेंट डाउनस्टेयर्स एंड मैंने मोबाइल थोड़ा देर चार्जिंग के लिए लगाया, और मैंने भी थोड़ा रेस्ट लिया, अराउंड मैंने 15-20 मिनट रेस्ट लिया एंड उसके बाद आई केम बैक। बिकॉज क्या हुआ था, बैटरी तो लो होने के साथ साथ जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी जब क्लाउड्स रोअर करते हैं तो मेरी फट रही थी, एंड फटने के साथ साथ मेरा मोबाइल की बैटरी भी बहुत डिस्चार्ज हो गई थी। और मुझे डर था कि भाई लाइट ना चली जाए, और लाइट चली गई तो मैं रात को एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा और अपना ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा। तो आई वेंट डाउनस्टेयर्स एंड आई पुट माई फ़ोन टू चार्ज, और अराउंड 20 मिनट तक मैं नीचे रहा एंड मैंने थोड़ा बहुत अपने आप को हाइड्रेट किया, मैंने थोड़ा बहुत पानी पिया, अराउंड 1.5 लीटर पानी पिया, एंड देन आई केम बैक अप ऊपर आके फिर मैंने अपना कार्डियो कम्प्लीट किया। अराउंड मैंने 45 मिनट्स और चलाऊँ मैं, तो हमारा कार्डियो अभी ख़त्म हो गया है। और अभी मैं फिर से शॉवर लेने वाला हूँ, क्योंकि बहुत पसीना हो गया है यार, बहुत चिपचिपा लग रहा है मेरे को, ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ऑयली लग रहा है। और जाऊँगा अभी नीचे जाके अपनी मील कम्प्लीट करूँगा, मील कम्प्लीट करके वो शूट भी करनी है, एंड उसके बाद आई विल कम बैक अपस्टेयर्स एंड कम्प्लीट माई रीडिंग सेशन, एडिट द वीडियो एंड आई विल गो बैक टू स्लीप। बहुत भाई बहुत दुख रहा है, मेरे पाँव बहुत दुख रहे हैं यार, ऐसे कार्डियो की वजह से मेरे पाँव बहुत दुख रहे हैं, अभी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। मैं चाहूँगा अभी नीचे पहले शॉवर लूँगा और उसके बाद स्टॉप करूँगा। अभी हो गया हमारा रीडिंग सेशन ख़त्म, एंड मुझे अभी आ रही है बहुत नींद, और कल हमें जाना है सुबह जिम, बट कल हम थोड़ा सा लेट जाएंगे, अराउंड 9 बजे के अराउंड जाएंगे जिम, बिकॉज भैया आने वाले हैं वापस पुणे से एंड वी हैव टू पिक हिम अप अराउंड 8:30। सो मैं 6 बजे उठूँगा, और 6 बजे उठ के हमारी जो मील होती है पोस्ट वर्कआउट मील, जो कि हमारी ओवरनाइट मील होती है, वो मैं सुबह ही कंज्यूम करूँगा, सो दैट इट विल डाइजेस्ट फास्ट एंड द मसल प्रोटीन सिंथेसिस गेट स्टार्ट। एंड प्लस कल कॉफ़ी भी नहीं पीऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मील खा के जाने वाला हूँ, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी एज वी विल हैव इट अराउंड 1 आवर प्रायर, सो इट मेक्स सेंस, डाइजेस्ट हो जाएगा अच्छे से वो, तो जिम में बहुत अच्छे पम्प्स आएंगे। बस मैं थोड़ा सा सॉल्ट खा के जाऊँगा, कॉज मुझे जिम में वो एक्स्ट्रा पंप चाहिए जो कि सॉल्ट की वजह से आता है। एंड रही बात अगर मैं दोपहर काम, कल मुझे दोपहर में बहुत सारे काम है, सो मुझे अपना वीडियो भी एडिट करना है जो कि हमने शूट किया, तो वो करना है, तो उसके लिए मुझे कॉफ़ी लगेगी, तो कॉफ़ी मैं आने के बाद पीऊँगा। एंड ऐसा कुछ मैं सीन प्लान किया हुआ हमारा कल का। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, मैं मिलूँगा आपको कल, टिल देन, पीस आउट।